हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। 26 अगस्त 2022 और सुबह का 11:10 अभी हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली 3 वीडियोस हमारी देखी है तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग बाइक लेने का फिलहाल एक सोच रहे हैं, और उसी के पर्पज से हमने जो अभी पिछली 3 वीडियोस डाली हैं वो हीरो एक्सपल्स 204V को लेकर के डाली हैं। और उसके लिए हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे हीरो मोटोकॉर्प को, धनश्री ऑटोज नोएडा। अगर आप भी एक्सपीरियंस राइड के लिए बाइक लेना चाहते हैं तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं बाइक के बारे में। काफी दिनों से हम सोच रहे थे कि हम एक बाइक लेंगे, लेकिन हम एडवेंचर बाइक लेना चाहते थे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग है आने वाले समय के लिए वो ये है कि हम हिल्स के अंदर जाना चाहते हैं। मुझे भी ऑफ रोड राइड्स वगैरह काफी पसंद है और साक्षी को भी ऑफ रोड राइड्स वगैरह काफी पसंद है। तो अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम एडीवी बाइक लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम परमानेंटली केवल हिल्स के अंदर ही रहेंगे, हमें हाईवे क्रूजिंग भी अच्छी होनी चाहिए बाइक के साथ में। तो उसी चीज को देखने के लिए हमने हीरो की एक्सपल्स मंगाई थी, और उसके क्या रिजल्ट रहे, क्या हमने डिसीजन लिया, क्या हम हीरो एक्सपल्स ले रहे हैं, वो इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जब हमने हीरो एक्सपल्स मंगाई थी तो हमने कुछ पॉइंट जो है वो नोट डाउन करके रखे थे। उसमें क्या था, जो हमारी हाईवे क्रूजिंग होनी चाहिए बाइक से वो अच्छी होनी चाहिए, प्लस ऑफ रोड कैपेबिलिटी जो होनी चाहिए बाइक की वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसके साथ साथ में जो सीट कंफर्ट होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा लंबी राइड करते हैं तो सीट जो कंफर्ट है वो काफी मैटर करता है। तकरीबन 3 दिन एक्सपल्स को चलाया, और 3 दिन के अंदर हमने तकरीबन तकरीबन 350 या 450 किलोमीटर के आसपास बाइक को चला लिया था, जिसमें से 1 दिन मैंने केवल बाइक का ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए दिया था। सो अब बाइक के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट हमने नोट डाउन करके रखे हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो बाइक की बात करते हैं हम, कि परफॉर्मेंस की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले बाइक की बात करते हैं कि बाइक के अंदर हमें क्या अच्छा लगा और क्या बेकार लगा। अगर हम लोग हाईवे के ऊपर चलते हैं, एक चीज जो मैटर करती है वो ये है कि आपका जो बैक मिरर होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो एक्सपल्स के जो मिरर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, उसमें मुझे मतलब नो डाउट, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहा उनमें, काफी अच्छा उनकी विजिबिलिटी है और उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरा जो मेन चीज है, हाईवे के ऊपर अगर हम चलते हैं या फिर हम कहीं पर भी जाते हैं, अगर रात का टाइम होता है तो हमारी जो हेडलाइट होती है वो काफी अच्छी होना जरूरी है। तो आप देखो, मैं ये चीज बिल्कुल श्योरली नहीं बोल सकता, लाइट तो मुझे इसकी अच्छी लगी, लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसका हो सकता है फोकस अच्छा हो, क्योंकि रोड पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी और ऊपर उसका फोकस बन रहा था। तो उसके बारे में बिल्कुल अभी नहीं बोलूंगा जब तक मैं दूसरी बार, या तो मैं नई बाइक लेकर के उसको फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, या तो फिर अगर आप मुझे दूसरा मौका मिला बाइक के साथ में तो फिर मैं शायद शेयर करूं उस चीज को। तीसरी चीज, जो बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी अच्छा है, जब आप ऑफ रोड करते हैं तो उसमें काफी अच्छा रहता है, मतलब कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की नहीं आती है। अब बात करते हैं दोस्तों बाइक की सीट की। देखो यार, सीट कंफर्ट की बात ऐसी है कि सीट थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो सकती थी अगर पिलियन को लेकर के हम बात करें, प्लस सीट थोड़ा सा जो उसका फोम है सीट के अंदर वो इतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है। सीट के लिए मैं बोलूंगा कि यार हीरो को काफी उसमें सुधार करने की जरूरत है, और एज ए पिलियन साक्षी का रिव्यू होना सीट के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो क्या है कि जब भी मैं बाइक राइड पर जाऊंगा तो साक्षी मोस्टली मेरे साथ रहेगी रहेगी, कुछ एक राइड ऐसी रहेंगी शायद फ्यूचर में, पता नहीं अभी नहीं बोल सकते, जहां पर साक्षी साथ में ना रहे, लेकिन मैक्सिमम राइड्स में साक्षी साथ में रहेगी, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होना जरूरी है। मुझे ना सीट थोड़ी सी छोटी लगी, कम लगी, क्योंकि आप ना आप जब लंबी राइड पे जाते हो ना तो आप परमानेंट अपने आगे राइडर से ना चिपक के नहीं बैठ सकते ऑल द टाइम, बिकॉज आपको थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए। जब आप मतलब बाइक पे ही बैठे हो तो कभी आपको लगता है थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा, क्योंकि बैग वगैरह भी होते हैं आपके साथ, आपको थोड़ा सा कम्फर्ट जोन चाहिए होता है। तो मुझे इसमें ये थोड़ी सी कमी लगी, क्योंकि ना आपको परमानेंट आगे होके बैठना पड़ेगा। अगर ये 2 या 3 इंच थोड़ी सी लंबी होती तो काम चल जाता, मतलब आप थोड़ा आप आराम से बैठ जाते, और थोड़ी सी चौड़ी होती क्योंकि मैं तो पतली हूँ, स्टिल मुझे लग रहा है कि सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल है। नहीं, ये इश्यू है वाकई में सीट के अंदर, मतलब अगर हम सोच रहे हैं अब हमने 300 साढ़े 300 किलोमीटर चला लिया और फिर उतने में अगर आपको कम्फर्ट जोन नहीं लग रहा है, आपकी बैक पेन हो रही है, तो फिर फायदा क्या। हाँ, एटलीस्ट अगर हम एडीवी ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा कम्फर्ट तो यार देखो जरूरी है, लेकिन वो उतना नहीं है
तो अगर हम एक्सपल्स परचेज करते हैं तो हमें सीट के ऊपर काम करवाना पड़ेगा, ये 100% श्योर है। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर उसके लिए यार फिर हमें रेडी रहना पड़ेगा परेशानी को झेलने के लिए। वही थोड़ा सा कुशनी और होनी होती ना तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता आपके। अच्छा, बाइक के जो गियर शिफ्ट, जब हम बाइक के गियर शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसमें मतलब दिक्कत आती है, मतलब स्मूथ नहीं है वो, तो वो अच्छे हो सकते हैं, बेटर उनको किया जा सकता है। अगर वो स्मूथ रहेंगे तो आसानी रहेगी। दूसरा, मैंने पॉइंट नोट डाउन कर रखे हैं क्योंकि मुझे याद नहीं रह रहे, तो मैं देख देख करके बोल देता हूँ। बाइक के जो इंडिकेटर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल एकदम परफेक्ट लगे बाइक के इंडिकेटर। एक्सपल्स की ब्रेकिंग है वो भी काफी ठीक ठाक है, वो भी हमने लास्ट दिन में काफी अच्छे से उसको यूज किया जब हमने बाइक को 110 111 के आसपास दौड़ाया था। वो हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। जब हमने पहले दिन बाइक को चलाया था तो हमने पूरा सिटी के अंदर बाइक को चलाया था, तो उसमें क्या था कि हीट का इश्यू थोड़ा सा आ रहा था। हालांकि कोई भी बाइक हो, सिटी के अंदर आप अगर चलाते हो, क्योंकि ट्रैफिक अगर रहता है तो उसमें हीट का इश्यू आता ही आता है, थोड़ा मोड़ा सबके अंदर आता है, तो वो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि आया था लेकिन वो मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम हाईवे के ऊपर जाते हैं या फिर हम पहाड़ों में जाते हैं तो वहां पर कोई हीट का इश्यू रहेगा नहीं। तो ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जो बाइक से रिलेटेड थी जो हमें उसकी पसंद आई, और कुछ चीजें जो हमने आपको बताई जो हमें पसंद नहीं आई। अगर हम बाइक को लेते हैं तो हमें दो चीज तीन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम पहाड़ों में जाने वाले हैं बाइक को लेकर के, तो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी बाइक की अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हीरो एक्सपल्स ने अपना मार्केट बनाया है, उस हिसाब से अगर हम बिना देखे ही बोले, जो रिव्यूज वगैरह लोगों ने बना रखे हैं उनको देखें, अगर देख करके उनको बोले, तो उसमें यह है कि ऑफ रोड कैपेबिलिटी हीरो की नो डाउट काफी अच्छी है, और हमने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, अगर आपने अभी नहीं देखी है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ऑफ रोड कैपेबिलिटी सबसे पहले हमें चेक करनी थी, तो ऑफ रोड कैपेबिलिटी एक पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया हाईवे क्रूजिंग, और तीसरा हो गया बाइक का कंफर्ट। तो बाइक के कंफर्ट के लिए हमने आपको बताया कि बाइक के कंफर्ट के लिए हमें सीट के ऊपर काम कराना पड़ेगा अगर इन फ्यूचर हम बाइक को परचेज करते हैं तो उस पॉइंट को हम अलग रख लेते हैं उठा करके। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है हाईवे वाला, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि बाइक लेने के बाद में परमानेंटली हम पहाड़ों में ही बैठे रहेंगे। बाइक को हम मान लीजिए अपने होम टाउन भी लेकर के जाएंगे, या साक्षी के घर जाना जाना है अगर, तो हो सकता है वहां पर भी लेके जाएंगे, या सिटी में इधर उधर हम ले जा सकते हैं। तो बाइक का जो हाईवे क्रूजिंग होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। और अच्छा क्या होना चाहिए, देखो यार 100 के ऊपर तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम 100 के ऊपर बाइक को बिना किसी वाइब्रेशन के बिल्कुल कंफर्ट के साथ या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगातार 2 से 3 घंटे चला सकते हैं, तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है एक्सपेल्स से। लेकिन हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 90 के आसपास, मतलब 90 से और 100 के बीच में बाइक इजीली क्रूज करनी चाहिए, तो हम हाईवे को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इसके लिए हमने चेक भी किया, जब हम अपने गांव गए थे अभी 2-3 दिन पहले, तब तो हमने उसको चेक भी किया, 90 के ऊपर हमने क्रूज करके देखा प्रॉपरली, तो उसमें बाइक बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से पास हो गई। 100 के ऊपर भी चलाया हमने बाइक को, लेकिन उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ते हैं। तो अब देखो क्या है कि सबसे कम रेंज में हीरो एक्सपल्स आती है, और उसके ऊपर अगर मैं अच्छी बाइक देखूं तो सीधे हिमालयन पर मतलब स्विच करोगे आप। अगर हीरो एक्सपल्स के बाद आप कोई दूसरी बाइक लेते हो तो आप सीधा हिमालयन पर जाओगे, लेकिन हिमालयन और हीरो में 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। और मैंने 2 साल पहले हिमालयन की एक्सपीरियंस राइड भी ली थी, तो उस समय पर मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी वो हिमालयन के अंदर वाइब्रेशन की इश्यू आई थी। 80-85 के ऊपर हिमालयन बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लगती थी, हीटिंग इश्यू उस समय पर इतना ज्यादा था कि मतलब बिल्कुल मेरा मन उखड़ गया था उस समय पर हिमालयन से, कि मन नहीं था बिल्कुल भी लेने का। इसलिए मैंने एक्सपल्स को पहले ट्राई किया कि अगर एक्सपल्स 90 के आसपास सही क्रूज करती है तो मैं पक्का एक्सपल्स को ले लूंगा, तो उसमें एक्सपल्स पास हो गई। दूसरा जो है आपका ऑफ राइड वाला, ऑफ रोडिंग के लिए हमने चेक करना था, तो हमारे गांव के आसपास एक नहर है, तो उसमें मैंने काफी अच्छे से बाइक को चेक किया। और बाइक वोड यार मैंने आज तक मतलब इतनी एडवेंचर राइड नहीं करी कभी भी किसी भी बाइक से जितनी मैंने हीरो एक्सपल्स से कर ली। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के पूरी वीडियो देखो, पूरा जंगल है वहां पर, और नहर के अंदर लिटरली मैं बाइक को ले गया था। तकरीबन 25 से 30 फुट गहरी नहर है, वहां पर मैं बाइक को लेकर के चला गया था, और इजीली अकेला चला गया था, कोई था भी नहीं मेरे साथ में। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने बाइक के साथ ऑब्जर्व करनी थी कि सही रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो बाइक उसमें खरी उतरी एकदम बिल्कुल
तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हम हीरो एक्सपल्स को अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो फिलहाल हमारा ऐसा कुछ मन कर रहा है, और आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसका पता भी लग जाएगा क्या होने वाला है। ये तो हमारा रिव्यू था, शॉर्ट टर्म रिव्यू था, 3 दिन का रिव्यू था जो हमने एक्सपल्स के अंदर देखा और आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। जो भी जैसा था हमने सब आपको बता दिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या हीरो एक्सपल्स को इन सब चीजों के साथ लेना चाहते हैं। और मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, अगर आप हीरो एक्सपल्स लेने का सोच रहे हैं तो आप टेस्ट राइड ना लें, सीधे एक्सपीरियंस राइड लो। 3 दिन के लिए आपको बाइक मिलेगी और उसमें क्या है, आप सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे अच्छे से, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि 3 दिन में 300-400 किलोमीटर आराम से आप इजिली रन कर सकते हैं और उसमें आपको पता लग जाएगा क्या करना है आपको। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और ये जो एक्सपीरियंस राइड हमें मिली थी उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं, धनश्री ऑटोज नोएडा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।